नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जायका विद सीमा में। आज मैं आप लोगों के साथ बनाने जा रही हूँ ढोकला, जिसमें मैं ना बेसन का यूज़ करूँगी, ना सूजी का, ना मीठा सोडा का, ना इनो का। इसे मैं सिर्फ दो तरह के दालों से बनाऊँगी और ये बहुत ही अच्छा और स्पंजी बनेगा। अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए मैं बनाती हूँ ढोकला का। तो ढोकला के लिए हमें जो दाल की ज़रूरत पड़ेगी वो है चने दाल, मैंने दो कटोरी लिए हैं, और एक कटोरी उड़द दाल। इसे मैं बहुत ही अच्छी तरह से धो के और कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए रख दूंगी फूलने के लिए। अगर आप इसे सुबह में नाश्ते में बनाना चाहें तो इसे रात में ही फूलने के लिए डाल दीजिएगा। चलिए ये देखिए, मेरा रात भर जो मैंने दाल को फुला के रखा था, ये दाल मेरा तैयार है। अब इसे मैं पीस लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं सारी दालें जो हमारी पिस चुकी है उसे बॉल में डाल के और इसे एक अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब इसमें मैं एक चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे ढंग से मिला लूँगी। यहाँ पे मैंने नमक अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे मैं 3 से 4 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे गर्मी यहाँ पे बहुत है, इसलिए ये 2 से 3 घंटे में ही काफ़ी अच्छी ढंग से फर्मेंट हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे ढंग से हो गए हैं। नमक मैं यहाँ पे पहले ही डाल चुकी थी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हींग डाल दो रही हूँ और इसे एक बार बहुत ही अच्छे ढंग से फेंट ले रही हूँ। ये काफ़ी अच्छे ढंग से फर्मेंट हो चुके हैं। ये देखिए, बिना इनो, बिना बेकिंग सोडा, इतना अच्छा से ये हल्की हो गया है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इसमें आधा चम्मच के करीब और नमक डाल देती हूँ। अच्छे से फेंट के इसे मैं इस तरह का एक सेपरेटर ले रही हूँ। थोड़ा सा कोई भी ऑयल, आप चाहे तो सरसों तेल या कोई भी, थोड़ा सा डाल के इसमें इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए ब्रश से या हाथ से। देखिए चारों तरफ से ये लग गया, इसमें ये डाल देती हूँ। कुकर में मैं इस तरह से जाली रख देती हूँ और इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ। पानी मैं उतना डालूंगी जितना में मेरा कटोरी या जो सेपरेटर है आधा ये डूब जाए। ये मैंने इसे यहाँ ऐसे स्टैंड में लगा दिया। अब इसे मैं कुकर में डाल दी हूँ और ढक्कन लगाए। यहाँ पे मैं ये ढक्कन का ये सीटी का पार्ट वाला निकाल दूंगी और इसे ऐसे ही। तो चलिए मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए तेज आंच पे इसे गैस पे बैठा देती हूँ और 10 मिनट के बाद फिर इसे मैं कम आंच पे कर दूंगी 10 मिनट के लिए टोटल। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं हमारे तेज आंच पे। ये देखिए अच्छे से भाप निकल रहा है। अब इसे मैं मध्यम आंच कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। और चलिए जब तक ढोकला रेडी हो रहा है तब तक हम इसके लिए चटनी बना ले। मैं धनिया पत्ता ले रही हूँ, आदी ले रही हूँ, 2 से 3 हरी मिर्च, कुछ लहसुन के दाने और इसमें मैं खटाई के लिए दही डाल रही हूँ खट्टा के लिए। आप दही की जगह आम ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, इमली का भी पल्प ले सकते हैं। नमक मैं
काला नमक भी डाल रही हूँ। चीनी एक चम्मच के करीब, जीरा पाउडर, जिसे मैं पीस ले रही हूँ। मेरी ये चटनी रेडी है। देखिए यहाँ पे 20 मिनट के बाद मैं इसे खोल चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं चेक करके देखती हूँ चाकू या कोई भी टूथपिक में। देखिए ये हो चुका है, इसे मैं बाहर निकाल ले रही हूँ। तो इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। अभी ये काफ़ी गर्म है, तब तक ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक आइए हम इसका छौंक तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तड़का के लिए सबसे पहले सरसों तेल डालूँगी। काफ़ी गर्म होने दूंगी। यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें यहाँ पे मैं काला सरसों डाल दे रही हूँ। मेरा काफ़ी अच्छे से चटकने दीजिए इसको। मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे बारीक भी काट सकते हैं मिर्च। मैंने यहाँ से और ये बन गया। अब यहाँ पे मैं लास्ट में ये चीनी और पानी का घोल, इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, मैं सबसे लास्ट में इसमें डाल दूंगी। इसमें कट लगा देती हूँ। ये कट आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। ये जो मैंने तड़का तैयार किया था इसमें स्पेशल थोड़ी देर, अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ एक प्लेट में निकाल लिया और ये देखिए ये कितना स्पंजी हुआ है, एकदम देखिए कितना दानेदार और खिला हुआ है। तो ये हमारा बनके रेडी है। ये दाल से मैंने जो ढोकला बनाया है ये देखिए कितना अच्छा बना है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर एक बार बनाएं और बना के मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसा बना। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।